सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जोर दे रहे हो और प्रशासन स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जा रही हो, लेकिन सीएम के शहर में भू माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद है। आपको बता दें कि ताजा मामला पिपराइज थाना क्षेत्र का है, जहां से भू माफियाओं ने अपने आप को एसओजी टीम बताते हुए एक भू मालिक दिलीप चौहान को उसके घर से जबरन उठा लिया और घंटों बंधक बनाने के बाद उसे रजिस्ट्री कार्यालय लेकर पहुंचे और उसकी 5 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाने का दबाव बनाने लगे। आपको बता दें कि जबरन जमीन रजिस्ट्री करवाने के दौरान हुए विवाद के बाद भू माफियाओं ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। यहां देख वहां मौजूद होमगार्ड जब युवक की तरफ भागे तो भू माफियाओं ने उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। वहीं युवक की माने तो विकास और उसके गुर्गों ने उसे जबरन घर से उठा लिया और उसकी जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए उसका अपहरण किया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोगों ने इसकी पहले पिटाई की, फिर मामला बढ़ता देखकर भू माफिया वहां से भाग। डिसमिल छतरधारी में जमीन लिखाए थे, उसी के विषय में विकास पासवान हमको अपना आदमी भेजकर सुबह में एसओजी के टीम कहकर उठवा कर लाए हैं यहाँ पे, हमसे जबरदस्ती वो जमीन लिखाना चाह रहे हैं। फिर कहाँ से कहाँ तक लेके गए थे? हमको ले गए थे जंगल दूसर चौराहे पे, उसके बाद ले गए विकास के ऑफिस पे, वहाँ से ले आए हैं फिर यहाँ पे कचहरी में, यहाँ पे कचहरी में स्टैंड में ले जाकर चारपहिए हमको लॉक करके रखे थे सब। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में ले आए सब, सब उसे घेर के सोचे कराने के लिए। मौके पे हमारे भाई साहब पहुंच गए, उसके बाद रजिस्ट्री रोके। वो तो मारे पीटे भी हैं और सर, जब हमारे भाई साहब घीच के ले आए तो हमको सर बहुत मार मारे हैं सर। सर रजिस्ट्री ऑफिस में सर मारने लगे हमको, मोबाइल भी हमारा छोड़ लिए, मोबाइल भी छोड़ लिए हैं सर। ये रजिस्ट्री ऑफिस है भाई साहब, यहाँ मारपीट रोज हुआ करता है। आज क्या हुआ? लोग करा रहे थे कुछ, आज हो हल्ला हो रहा था यहाँ, को एक लड़के को रजिस्ट्री करवाने के लिए जबरदस्ती लोग ले आए थे, लाए थे। उसके बाद आपने कहाँ भेजा? नहीं, यहाँ गार्ड जो ऑन ड्यूटी थे वो उसको रजिस्ट्री करने से वो रोक दिए, ले जाके एसएसपी साहब को हैंड ओवर किया गया। आपका नाम किस पद पे है? मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे, मेरा स्टेटमेंट लीजिए। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के बारे में एक शासनादेश हुआ है सरकार के गठन के बाद। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के बारे में एक शासनादेश हुआ है सरकार के गठन के बाद, और उसमें ये अपेक्षा की गई है कि एक जिला स्तरीय एक टास्क फोर्स होगा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और अन्य अधिकारी उसमें पार्टिसिपेंट्स एज मेंबर्स होंगे। इसमें मुख्यतः हमारे विभाग पीडब्ल्यूडी को लिया गया है और सिंचाई विभाग है, जिला पंचायत है, फॉरेस्ट विभाग है, हमारी सारी नगर पंचायतें हैं, हमारा नगर निगम है, हमारे सारे एसडीएम्स जिनके कार्य क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमि आती हैं, और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी। तो इसमें प्रपत्र निर्धारित हैं शासन के द्वारा, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि उन प्रपत्रों पर जो सूचना दी जाए उसमें एक तो विभाग ये चिन्हांकित करें कि उनकी भूमियों के संबंध में क्या कोई भू माफिया सक्रिय हैं, क्या उन्होंने उन सरकारी भूमियों पर कोई दबंगई से कब्जा किया हुआ है, यदि ऐसे हैं तो उनका चिन्हांकन करके इस कमेटी के सामने प्रस्तुत करें, कमेटी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात ये कही गई है कि इन भू माफियाज के अलावा कोई और एनक्रोचमेंट्स ऐसे हैं जो विभाग की भूमि पर अन्य कारणों से हैं तो उनका भी चिन्हांकन करें और उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर करें और उसका एक माइक्रो प्लान बना के दें, जिसके चलते प्रशासन उनको समस्त सपोर्ट उपलब्ध कराएगा और मैजिस्ट्रेट और पुलिस विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी तैयारी के साथ मौके पर जाएंगे और अतिक्रमण को हटाएंगे। तो इस सिलसिले में हम लोगों की निरंतर लगभग प्रत्येक सप्ताह हम लोग बैठक कर रहे हैं और पूरे जनपद के जितने भी विभाग हैं हमारे उनको हमने सबको सक्रिय कर दिया है, वो सभी अपनी सूचना दे चुके हैं और अब निरंतर चलने वाली ये कार्रवाई होगी और जैसे जैसे विभागों के प्लान आते जाएंगे हमारे एसडीएम्स अपने अपने एरियाज़ में उसकी डेट फिक्स करेंगे, समुचित पुलिस बल पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और जो विभागीय अधिकारी होंगे वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे
मशीन्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ, मैन पावर के साथ मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।